धन्यवाद सुनील भैया, धन्यवाद तारा प्रसन्ना भैया, धन्यवाद गोपाल बाबू भैया। अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है। हम अभ्यास दो कर रहे हैं। स्वयं से स्वयं को देखते हुए जो कि हमने अभ्यास में किया, उसके साथ साथ अब अभ्यास दो में हम शरीर को भी देख रहे हैं। इस अभ्यास के पहले स्टेप पे हमने ये बात कही कि मैं हूँ और मैं देख सकती हूँ कि मैं हूँ, क्योंकि मुझ में जो चल रही है कल्पनाशीलता, उस पर मैं जब भी ध्यान देती हूँ, अपनी क्रियाओं पे ध्यान देती हूँ, तो मुझे दिखता है कि ये कल्पनाशीलता चल ही रही है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं हूँ। इसी तरह शरीर भी है। शरीर है ये मुझे कैसे पता चलता है? जब मैं शरीर की संवेदना, शरीर में हो रही किसी भी संवेदना को पढ़ती हूँ, तो उससे मुझे ज्ञात होता है कि शरीर है, दिखता है। तो ये जो दो वास्तविकताएं हैं, रियलिटीज हैं, ये अलग-अलग हैं। तो इनको समझने के लिए हमें अलग-अलग देखना होगा। भले ही दोनों सह अस्तित्व में हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से यदि हम अलग-अलग करके देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बात हो रही थी स्टेप वन में, अभ्यास दो के। फिर कल हम ये बात कर रहे थे कि स्टेप दो में हमें ये जो दो वास्तविकताएं हैं, मैं और शरीर, इन दोनों में जो आदान प्रदान हो रहा है उस पर ध्यान देना है। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच में, हमने ये कहा कि ये सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। कोई फिजिकल, कोई भौतिक रासायनिक वस्तु ट्रांसफर हो रही है ऐसा नहीं है, जस्ट सूचना है, इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया, संकेत एक सूचना है। शरीर में कुछ संवेदनाएं उठती हैं, शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं उनके तहत कोई ना कोई संवेदनाएं उठती हैं। मैंने किसी संवेदना को पढ़ा, ये एक सूचना ही है। तो मुझ तक डायरेक्टली शरीर का कुछ भी नहीं पहुंच रहा, मैं संवेदना को पढ़ रही हूँ और उसके तहत कुछ उसका अर्थ निकाल रही हूँ, जिसके बारे में आगे हम और गहराई में देखेंगे। तो कल दिन भर में हमें ये जो अभ्यास है, जो हम डेली असाइनमेंट के तौर पर करते हैं, उसमें ये करना था कि स्वयं द्वारा द्वारा शरीर को दिए जा रहे संकेतों को देखना था कि हम शरीर को क्या संकेत दे रहे हैं, उस पर ध्यान जाए। अभी हो सकता है कि हम बेहोशी में बहुत से संकेत देते हों और हमें इसका ध्यान ही ना हो कि हमने कुछ संकेत दिया। जैसे कि आप बैठे हैं और आप अपने पैर को या टांग को हिला रहे हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने संकेत दिया है तो ऐसा हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे संकेत हो सकते हैं दिन भर में जो हम देते रहते हैं, भले ही बेहोशी में देते रहें। अब उन सब के प्रति सजग होना है।
देखना है कि ये जो संकेत हम देते हैं, ये हर क्षण देते रहते हैं या कभी कभी देते हैं शरीर को, ये एक बात देखनी थी। हमने कुछ संकेत दिया, ये पूरे समय हम देते ही रहते हैं या बीच बीच में कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं? फिर दूसरी बात, हमें शरीर में जो संवेदनाएं हो रही थी उनको देखना था। तो ये जो संवेदनाएं उठ रही हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, क्या हम इनको हर क्षण पढ़ रहे हैं या कभी कभी पढ़ते हैं? ये एक बात। फिर जो शरीर में संवेदनाएं को पढ़ रहे हैं, उन सभी को पढ़ लेते हैं या किन्हीं गिनी चुनी संवेदनाओं पर हमारा ध्यान जाता है? और हम इनको मतलब कैसे चुनते हैं? अगर खूब सी संवेदनाएं हैं और हमारा ध्यान किसी एक दो संवेदना पर गया, तो क्यों उधर ही गया, कहीं और क्यों नहीं? ये भी देखें। और अगर हम किसी भी कार्य को करते समय अपनी गति को धीमा कर दें, तो हमारा ध्यान और अच्छे से अपने अंदर और शरीर में जो हो रही ये क्रियाएं हैं, जिनके तहत संवेदनाएं हो रही हैं, ये जो आदान प्रदान है मेरे और शरीर के बीच, इन सबको और अच्छे से देख सकते हैं। तो ये बात थी कि हम कोई भी कार्य को धीमा करके देखने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है इस आदान प्रदान में। और इसके साथ शरीर के साथ अपने प्रत्येक आदान प्रदान के दौरान देखें कि क्या करना है, इसका निर्णय कौन ले रहा है, आप स्वयं या शरीर? अभी लगता होगा कि हाँ, ठीक है, हमें पता ही है कि हम ले रहे हैं निर्णय, बट इसको अच्छे से देखें, अपने लिए देखें। जैसे सुबह हम उठते हैं, किस समय, किसी निर्धारित समय पे उठते हैं, अलार्म बजता है उसके साथ ही उठ जाते हैं या थोड़ी देर के बाद उठते हैं? कौन निर्णय ले रहा है कब उठना है? इस सब को थोड़ा गहराई में देखेंगे तो क्लैरिटी बनती है। तो आपके ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं इस असाइनमेंट को, अगर हम कर पाए तो हम शेयर कर सकते हैं। यशवीर जी, दिव्य आवाज आ रही है। जी आ रहे हैं। नमस्कार दीदी जी, नमस्कार सभी को। दीदी, मेरी ऑब्जर्वेशंस ऐसी रही हैं दी कि 2-3 दिन मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, तो दीदी मैं देख पाया कि शरीर से जो संकेत आते हैं, है ना, वो मैं हर क्षण नहीं देख पाता हूँ कि मतलब वो उसकी अभ्यास नहीं है उसका। तो जो जो संकेत आते हैं वो हर क्षण नहीं देखे जा रहे, जब ध्यान जाते हैं तो वो संकेत दिखते हैं। जो संवेदनाएं उठती हैं शरीर से वो दिखती हैं, जो सूचना का आदान आदान प्रदान है वो दिखता है। पर यदि ये है कि इसमें ना एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जैसे मसल्स मेमोरी होती है, तो जैसे कि कुछ काम है जो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, है ना, स्वयं से और शरीर के द्वारा करवा रहे हैं, तो वो क्या है कि वो काम शायद से रिकॉर्डेड हो गया है, कि उसके वो ध्यान नहीं जाता कि मैंने कोई उनको इंस्ट्रक्शन दी है। जैसे कि जैसे मैं हर रोज मतलब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो वो बाइक के थ्रू जाता हूँ, तो मुझे अब मुझे ना मैं जैसे अंदर भाव चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कल्पनाशीलता चल रही है, बट वो भी है कि आप मतलब चला भी रहे हैं, तो मुझे मतलब वो है कि वो ऑटोमेटिक से वो जो वो चीज़ होती है ना, अब ऑटोमेशन ना बोल के कि शायद प्रिपेयर है, मतलब वो कर रहे हैं, तो मुझे ये भी दिखा दे।
और बहुत सारे एक्शन ऐसे हैं दी कि जहाँ लगता है कि शायद प्रीडिटरमाइंड है, जैसे कि पहले से वो मेमोराइज है। तो मतलब उसमें ये उसमें जब जैसे चेक करते कि हाँ ये लगता है कि चलो कभी ना कभी स्वयं ने ही किया होगा निर्धारित कि ये करना है, और शायद वो रिकॉर्डेड हो गया तो अब ये शरीर वैसे ही कर रहा है, पर अभी सोचा होगा उसने कि हाँ ये करना है, ये नहीं लगता। तो मैं ये देख पाया। बाकी मैंने देखा कि जब हम ज्यादा काम करते हैं तो शरीर एक नियमित तक ही करता है। जैसे दीदी मतलब 2 दिन पहले ना हमारी यूनिवर्सिटी में LDP थी, तो ऐसे आमतौर पर हम मतलब वही 10 to 5 होता है, तो उस टाइम ऐसा था कि हम मतलब 7 o'clock पहुंचे सुबह और शाम को अराउंड अराउंड 8 o'clock हो गए थे। तो वो लंबा उसमें हुआ, तो उसमें लगा कि हाँ शरीर बता रहा है कि अब थोड़ा सा वो टाइट सा हो गया है, पर ये था कि अंदर भाव अच्छे थे तो वो वैसा लगा नहीं वैसा चीज भी। तो मैंने ये देखा कि ये तो सूचनाएं मिलती रहती हैं संवेदनाओं से, पर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटेड होती हैं, जिसमें मतलब अंदर से ये कोई ये मतलब अगर हम क्वेश्चन करें कि हाँ ये हमने खुद ही निर्णय लिया है तो वैसा दिखता नहीं दी चीज दी, तो ये ऑब्जॉर्व किए दी जी ने काफी सारी बातें कही, जी रिसर्च को इसकी बात कर लूं। तो जी जैसे आपने कहा एक बार के संवेदनाएं आती हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। संवेदनाएं आती हैं या संवेदनाएं शरीर में हो रही हैं और हम उसको पढ़ते हैं, है ना? इसकी जी आगे और डिटेल में बात होगी। यदि तो वो आ ही रही हैं, वो एक तरह की संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि शरीर में उठ ही रही हैं, जब जी मेरा ध्यान जाता है तो मैं उसको पढ़ती हूँ, जब मेरा ध्यान नहीं जाता मैं नहीं पढ़ती, जी जी है ना? जैसे अभी इस समय मैं कुछ बात कह रही हूं, है ना? जी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, है जी ना? जी जो मैं बात कह रही हूं उसकी जो ध्वनि है वो आपके कानों तक पड़ रही है। जी उसका मतलब शरीर तक तो पहुंचा, है ना? ध्वनि शरीर जी के कान के पर्दे तक पहुंची, वहां से कुछ क्रिया हुई, है ना? कोई संवेदना उठी। जी इसी तरह और भी ध्वनियां पहुंच रही हैं आपके शरीर में, कानों पे। जी जी कोई स्कूटर पास से गया, कोई कुत्ता भौंका, कोई चिड़िया चहचहाई, हो जी जी सकता है बहुत सारी आवाजें मेरी तरफ से हो, बहुत सारी आवाजें आपकी तरफ से भी हो। घर जी जी में कोई कुछ कह जी रहा है, कोई पूजा कर रहा है, घंटी बज रही है, बहुत कुछ हो सकता है जी ना? जी जी आप किस पर ध्यान देते हैं ये तो निर्णय जी जी कौन स्वयं करिए लेता है उसको देखेंगे, है ना? ये आगे जी और डिटेल में बात होगी, बट क्योंकि आपने जी रेज किया जी जी तो ये एक बात थी। जी दूसरी बात आपने ये कही कि ऑटोमेटेड मोड पे चीजें चलती हैं, ऐसा दिखता है। तो कल आप थे सेशन में, कल इसकी काफी बात हुई थी। जी सेशन में था दी मैं हाँ, तो जी जैसे जी हम ड्राइविंग करते हैं, जी 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 तो जब आप पहले दिन ड्राइव करते हैं तो शुरू में जब सीखते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है हर चीज के ऊपर, जी है काफी जी दीदी जी ना? जी जी लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो फिर थोड़ा आराम हो जाता है। जी कई लोग नोटिस करेंगे कि पहली बार आप ड्राइव कर रहे थे, 2 4 दिन के लिए आपके गर्दन में, नेक में दर्द हुआ हो, क्योंकि जी हम जी फ्लेक्सली बैठे रहते हैं और फोकस करते रहते हैं किधर किधर ध्यान देना है, इतना सारा ना?
जी फिर वो चीज आसान होने लगती है जब हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, है जी ना? जी ये शरीर में कुछ स्टोर हो रहा है, जैसे आपने कहा मसल्स में स्टोर हो रहा है, या कि मेरा निर्णय बनाना तेजी से हो रहा है और मेरा संकेत फिर क्लैरिटी से जा रहा है, इसको देखना पड़ेगा। जी। जैसे वो जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया ड्राइविंग का, जी जी अब वो स्टोर्ड है सब कुछ, लेकिन सामने कोई साइकिल वाला आया, तुरंत पैर ब्रेक पे ब्रेक गया। पे जी। ये स्टोर्ड एक्टिविटी थी शरीर में या मैंने संकेत दिया, है ये तो संकेत ना? की हुआ दीदी जी, कि हाँ, ब्रेक तो हम बार बार लगा रहे जी दी जी इसी तरह आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो जी शुरुआत में आपने कुछ अनुमान लगाया कि ये इतनी ऊंची सीढ़ी है तो पैर इतना उठाना पड़ेगा, तो जी जी फिर उस हिसाब से आप शुरुआत में धीरे धीरे उतरे, फिर तेजी से तेज रफ्तार से उतरने लगे, लेकिन बातों में मग्न थे या कुछ और सोच रहे थे, तो अगर कुछ ना थोड़ा सा झटका लगा, एक सीढ़ी सपोज थोड़ी ऊपर या नीचे थी, हाइट उसकी फर्क थी, तो आपको थोड़ा सा झटका लगा, तो फिर संभल के फिर आपने रेलिंग पकड़ के फिर चले और जी फिर ठीक से चल पड़े। अब ये सब जी शरीर में स्टोर हो रहा है या मैं निर्णय पूर्वक शरीर को कुछ संकेत दे रहा हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना? जी जी तो और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बट बहुत अच्छा है कि आप बारीकियों में जा रहे हैं, अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं, इसको प्रयास करते रहें, ठीक है ना? जी जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। प्रतिभा जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी कल मैंने पूरे दिन ऑब्जर्व किया तो मैंने ये पाया कि कुछ शरीर में कुछ क्रियाएं जो ऐसी चलती रहती हैं कि जो वॉलेंट्री हैं और उस पे जब हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं तब हमारा ध्यान जाता है, और अगर हम नहीं देते हैं तो वो चलती रहती है। लेकिन कहीं अगर बॉडी में हमारा कहना चाह रहे हैं आप, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री सॉरी ओके। हाँ, एंड लेकिन कहीं कहीं पेन अगर शरीर में हमारे हो रहा है, जैसे कल मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरा ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा था। और एक दीदी मेरे साथ इंसिडेंट हुई, आई डोंट नो, मुझे ना क्या कहते हैं, मैं वॉक कर रही थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे उन्हें देखने जाना था। तो मैंने फोन करके उन्हें रात में पूछा कि मैं देखने आ सकती हूँ, आप जगी हुई? उन्होंने कहा हाँ। एंड मैंने फोन रखा एंड मैं गई और मैं पहुंची, पहुंच गई और मैंने दरवाजा की घंटी बजा दी। जब मैंने घंटी बजाने के बाद दरवाजा ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा ये दरवाजा तो उनका है ही नहीं, मतलब मैं कहीं और आ चुकी हूँ। जब मैंने ऑब्जर्व किया एंड एक दो मिनट के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि मैं कहाँ पे हूँ, और तब फिर किसी ने दरवाजा खोला तो मैंने सॉरी बोला कि मैंने सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मैंने गलत दरवाजा कटा दिया। एंड जब मैं गई तो मैंने पाया कि मैंने बिल्कुल रास्ता कुछ भी नोटिस नहीं किया, और मैं एक पहले एक ब्लॉक पहले मैं चढ़ गई थी। और जब मैंने लौटते समय ऑब्जर्व किया तो उस समय उसमें मतलब काम चल रहा था, सैंड भी थी, मतलब इंटायरली डिफरेंट था। और जाते समय मेरा बिल्कुल उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं गया, और फिर मैं सही जगह पहुंची तब मुझे लगा कि ये मैं मतलब अंदर ही कुछ देख रही थी कि मैंने बाहर की कुछ चीजें मुझे दिखाई ही नहीं दी, और जब जी दिखाई थी तब तक एकदम
हो चुका था जो होना था, तो उसपे उसपे कुछ मैं सोचती रही ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। सजग नहीं थे हम, अंदर देख रहे थे, ऐसा नहीं है, अंदर जो हाँ चल रहा था उसमें उलझ गए थे। तो हमारा ध्यान ना तो अंदर जो चल रहा था उस पे था, ना बाहर था, हम उसी में उलझे हुए थे जिसको यही हम हुआ हुआ। बेवकूफी कह रहे हैं ना, कि हम अपने प्रति जब सजग नहीं होते हैं, अपनी कल्पनाशीलता में बहते जाते हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना। और जब ऐसा रहता है तो हमें होश ही नहीं होता शरीर का, है ना, और बाहर का। तो हमने संकेत दे दिया, और उस संकेत के तहत शरीर कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम सजग नहीं थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सी सड़क पे एक्चुअली जाना था या कहाँ से मुड़ना था। तो हम चलते ही गए क्योंकि हमारा ध्यान उस पर था ही नहीं, हम अंदर ही उलझे हुए थे अपने अंदर, है ना। तो जैसे कोई परेशानी होती है या हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, किसी के व्यवहार के बारे में या कोई परिस्थिति के बारे में, कुछ पहले घटना घटी हो या आगे कुछ हमारा ना आगे के लिए हम चिंतित हैं या ऐसा कुछ है, तो कितनी बार ऐसा होता होगा कि हम अपने अंदर ही खोए हुए हैं, हमें बाहर का होश ही नहीं है। कभी कभी तो ये भी बहुत लोगों ने देखा होगा, किसी ने कुछ कहा, हमने सुना ही नहीं, फिर दूसरे ने कहा अरे कहाँ खो गए, तब ध्यान आया कि दूसरे ने कुछ कहा था, हमने सुना ही नहीं, है ना। कई बार होता है दीदी ऐसा। वही तो, हम सजग हो जाएंगे तो ये सब दिखेगा कि हम उधर भी ध्यान दे सकते हैं, इधर भी ध्यान दे सकते हैं, हम अभी अभ्यस्त नहीं है, अभ्यास करेंगे तो सजग हो जाएंगे, देख पाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आप घर से निकले, आपने लाइट बंद करी, गैस बंद करी, ताला लगाया, लेकिन आपके अंदर कुछ और चल रहा था, तो आपको ध्यान ही नहीं है, आप घर से निकल गए, फिर सोच रहे हैं मैंने बंद किया था कि नहीं किया था, लाइट बंद करी, ताला लगाया कि नहीं लगाया। और हो सकता है हम वापस लौट के आए कि कहीं छूट तो नहीं गया कुछ, ये क्यों भूल गए हम, क्योंकि जब हमने वो प्रक्रिया करी उस समय हम होश में नहीं थे, हम अपने अंदर ही गुम थे। तो डे टू डे एक्टिविटीज में दिखेगा कि बहुत बार ऐसा होता होगा, जैसे जैसे हम सजगता के लिए काम करते हैं ना, तो ये इंस्टेंसेस कम होते जाते हैं। ठीक है ये बात। हाँ दीदी, और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, छोटी छोटी घटनाएं। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैंने ये प्लान किया था और ये काम कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम नहीं किया होता है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने प्लान किया है और अभी नहीं किया है और वो काम कर चुकी होती हूँ मैं। तो इस तरह की होता रहता है, तो मतलब थोड़ी सजगता बढ़ानी पड़ेगी मुझे। सजग हो जाएंगे तो बहुत आसानी से दिखेगा कि फिर हम रिकॉल भी कर पाते हैं, क्योंकि हम सजग थे, हम अवेयर थे जब हमने किया, तो फिर हम हमें वो चीज ध्यान में रहती है ना। इसीलिए ये कहा कि भाई जो भी काम आप कर रहे हो, सजगता उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी, आप उतना ही काम जिसके लिए शायद आधा घंटा लगाते हो सकता है आप 20 मिनट में कर लें, क्योंकि ध्यान इधर उधर नहीं भटकता और आपका फोकस्ड ध्यान वहां रहता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना।
ऐसा लग सकता है कि जब हम अंदर ध्यान देंगे तो बाहर का छूट जाएगा, लेकिन सही मायने में देखें तो अभी ऑलरेडी छूटा हुआ है। अंदर भी नहीं देख पा रहे, बाहर भी नहीं देख पा रहे, लेकिन जैसे जैसे देखने का स्टार्ट करेंगे ना अपने अंदर क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे बाहर भी ध्यान और अच्छे से जा पाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा दीदी, क्योंकि जब हम सजग होके काम करते हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तो वो काम काफी जल्दी हो जाता है, एज कंपेयर टू अगर हम सजग नहीं होते और बाहर हमारा ध्यान होता है तो कई बार बाहर के में ध्यान होने की वजह से जो काम हम 20 मिनट में कर सकते हैं वो 40 मिनट हो जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं बाहर की चीजों से। ये चीज तो कई बार महसूस की है मैंने, तो अभी वही वो कंसंट्रेशन। जो कल बात हो रही थी ना, जो कल एग्जाम्पल था शेयरिंग में, कि हम नहा रहे हैं और स्लो स्लो सब कर रहे हैं और कल्पनाशीलता में कुछ और ही चल रहा है, हम उसी में खोए हुए हैं, उसी में गुम हैं। सडनली सजग हुए और लगा कि अरे बहुत समय हो गया, जल्दी करें, जाना है, रेडी होना है, तो फिर वही चीजें और तेजी से करने लगे। तो जिस काम को नहाने को अगर 20 मिनट लगते थे, अब वो 10 मिनट में ही हो जाता है ना? ठीक है, बढ़िया हाँ है, धन्यवाद। ये सही कहा दी, धन्यवाद दी। रुंझुन जी, नमस्ते, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही जी आ रही है। है? ओके। मैंने अपने शरीर को इस तरह से ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे अभी आप तो एक ऑलरेडी एग्जांपल दिए है अपने नहाने का, ऐसे ब्रश करने का है, या फिर मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं कैसी दिख रही हूँ। तो बेसिकली मिरर में जब देख रहे हैं तो वो उस समय में नेचुरली वो हम अपने शरीर को देख रहे हैं, और हाँ एकदम अगर भाई कहीं जाना है कैसे ड्रेस होनी चाहिए, कैसी मैचिंग होनी चाहिए, बिंदी सही लग रही है या ये बिंदी, तो इस तरह से देखती हूँ तो वो पूरे शरीर को देख रहे हो, वहां पे मेरा मन इधर उधर नहीं है। और जब तैयार होके, अब भाई तैयार हो चुके हैं अभी, कोई कोई जब तक कोई मार्क कोई पॉइंट आउट नहीं करे तब तक उस पर सच में ध्यान नहीं जाता है। वी डू थिंग्स कंटिन्यूअसली, बहुत ही हार्डली ऐसा समय आता है कि हाँ हम सच में शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, सब बाकी क्रियाओं में ही जो है इतने व्यस्तता हो जाती है कि फिर जो है इधर इस ओर जो है वैसा कुछ ध्यान नहीं आता है। तो ऐसा मैंने मेरा बेस्ट ऑब्जर्वेशन रहता है, जब जब या तो कभी कुछ ठोकर लगी या कुछ पेन हुआ, या फिर इस तरह से अगर नेल्स के लिए, हाँ नेल्स भी कटिंग के लिए, उस समय भी जो है मैं सोचा अरे हाँ ये तो शरीर के लिए कर रहा है, तो इतना डिस्क्रीट फॉर्म में जो है तभी देखते हैं जब कुछ इससे रिलेटेड कुछ करना होता है, तो अदरवाइज उतना बहुत ज्यादा ध्यान शरीर पे नहीं जाता है। जी बढ़िया है। शीशे में भी, जब आईने में भी देखते हैं ना, मिरर में, तो सही मायने में तो हम बाहर ही देख रहे हैं करेक्ट। ना? और इसी तरह जब हम चल फिर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि इमेज जो सामने है वो कुछ और है, मिरर है तो सामने अपनी इमेज है, करेक्ट। लेकिन जब बाहर चल फिर रहे हैं तो कुछ और है आंखों में दृश्य जो बन रहा है, तो हमारा ध्यान वहीं रहता है बाहर। तो जैसे जैसे सजगता बढ़ाएंगे, अपने अंदर भी ज्यादा ध्यान से देखेंगे, वैसे वैसे अब धीरे धीरे ये अभ्यास 2 में हम शरीर पर भी ध्यान देंगे, शरीर में क्या हो रहा है। जैसे कि बहुत बार हो सकता है कि हम ना, हमें गुस्सा आ जाता है, हम चिल्ला देते हैं, अब ये अपने अंदर हो रहा है, हम इसके प्रति भी जागरूक नहीं होते और शरीर में कुछ इसके वजह से कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रति भी जागृत नहीं होते, तो हमने चिल्ला दिया बट हमारे ना हाथ कंपकपाने लगे या दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई और थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगा,
लेकिन हम चीजों को कोरिलेट भी नहीं करते, उस पर ध्यान भी नहीं जाता कभी कभी, है ना। लेकिन बट ये है कि जैसे थोड़ा गुस्से वगैरह भी चीजें जो है ना, ऐसा लग रहा है कि मालूम नहीं ये यूएच भी कर रही हूँ क्या, क्योंकि अभी हाल के एक छोटा इंसिडेंट है, शेयर करती हूँ। मैंने देखा कि ग्लास जो है वो एकदम कॉर्नर ऑफ द बेड रखा हुआ था। मैंने अपने बेटी को बोला कि चलो हटाओ, यहाँ पे क्यों रखा है, गिरेगा तो टूट जाएगा। बोला हाँ हाँ उसने बोला कि हाँ हटा दो, लेकिन वो भी भूल गई, वो नहीं हटाई। और मैं ही गई और मेरे हाथों से, मैंने देखा भी नहीं, और गिर गया नीचे, लेकिन वो टूटा नहीं। अब मैंने क्या बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं यूएसबी क्लासेस करी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जरूर डांटूंगी, और ये तुमने नहीं सुना मेरी बात, इसलिए तुम्हें पिटाई भी पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके जो है, मतलब ये है कि भाई सामने से जो है सो एकदम इंस्टेंटली जो कि मैंने बोला था क्यों नहीं हटाया, ये वाला जो आते थे वो चीजें अब बहुत ही कंट्रोल्ड होने लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एकदम से तुरंत वो ऐसे नहीं आया, और अब तो लगेगी आपको पिटाई पड़ेगी इस तरह से जो है ये बोल दिया कि भाई आप ऐसा मत सोचो, ये बहुत जो है दिन लेसन ले रही हूँ, तो आपको जो है हमेशा माफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह का भी जो है कभी कभी आ जाता है, जबकि ये बहुत ही टूटा नहीं, इसलिए अगर टूट जाता तो शायद ये और इंटेंस होता, हो सकता है मैं और जोर से जो है बोल सकती थी। लेकिन हाँ कोई ये मैं देखती हूँ कि बहुत ही सोच समझ करके जो है कदम उठते हैं। इसमें देखे तो देखिए सजगता। अभी जो चीज हमें बहुत ज्यादा स्वीकृत नहीं होती ना, जो हमें तकलीफ देती है, जिसके जो हम चाहते नहीं हैं वैसा हो जाता है, तो हम रिएक्ट करते हैं। अब गुस्सा एक एग्जाम्पल है ना। हो सकता है हमें भय हो किसी चीज का और हम सजग नहीं है, तो वो भय लेके हम घूमते रहते हैं, है ना। और अगर हम अपने प्रति सजग नहीं हैं, तो उस समय हमारी कल्पनाशीलता में ही गुम होंगे। हम चिंता करते हैं आगे ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, उसमें घूमते रहते हैं, और हमें होते नहीं होता कितने बार, है ना। तो अब हम अंदर भी ध्यान देंगे, अंदर ध्यान देते हुए बाहर शरीर पर भी ध्यान देते जाएंगे। थैंक यू। ज्योति जी दीदी नमस्ते सभी को। अभ्यास नमस्ते। एक और दो के लिए कल दिन भर के अभ्यास में मैं यह देख पाई, शरीर में संवेदना तो होती ही रहती है, लेकिन मैं इन संवेदनाओं को आवश्यकता अनुसार पढ़ती हूँ। जैसे कि उन दिन मेरी चाकू से उंगली कट गई थी, तब मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने बैठी और हाथ सब्जी में डाला तो मिर्ची लगने ही मेरी संवेदना को पढ़ने लगी। मतलब संवेदनाओं को पढ़ने का आधार आवश्यकता है, लेकिन निर्णय तो मेरा है। दीदी मैं यह भी देख पाई कि मैं यह संकेत शरीर को कभी कभी देती हूँ, जैसे कि गैस पर रोटी सेकते वक्त अगर मेरा ध्यान नहीं रहा तो हाथ जल जाता है। अगर छोटी सी संवेदना है तो पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर गैस बड़ी है और ज्यादा चोट लगने की आशंका है तो हाथ को झट से खींच लेने का निर्णय तो मेरा ही है, यह मैं देख पाई। इसलिए कल दिन भर सभी कार्य में धीमी गति से कर रही थी और यह देख रही कि शरीर में किस तरह से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। यह आदान प्रदान मुझे बिन तारी संदेश जैसा लगा, और दीदी प्रत्येक गतिविधि दौरान इस आदान प्रदान का निर्णय मेरा ही था, यह देख पाई और आगे भी देखूंगी ऐसा मुझे लग रहा, इतना ही देख रही। जी दीदी आप बताइए। जी बढ़िया है। जो भी प्रोसेस ठीक है, बढ़िया। थैंक जी जी थैंक यू। यू। तो अभी 10 मिनट ले लेते हैं, आई थिंक वो वापस आ जाए स्टेप दो पे, मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान को देखना है उस स्लाइड को डिस्प्ले कर देते हैं। और स्टेप दो, नेक्स्ट वाला स्लाइड, स्टेप दो का। हाँ ये ठीक है। तो मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, और इन दोनों के बीच जो आदान प्रदान है वो सूचना का है। इस चीज को अभी देखना है 10 मिनट,
फिर उसके बाद वापस आएंगे आपके ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए।
ठीक है, लौट आते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो रख सकते हैं, कुछ कठिनाई हो या कुछ प्रश्न बन रहे हो तो भी रख सकते हैं। देखने का काम जारी रखना चाहिए। आंखों पे बहुत सारे दृश्य बन रहे हैं, है ना? बाहर हम देख रहे हैं, हमारा ध्यान किस पर जाता है? जिस पर हमारा ध्यान जाता है उसी संवेदना पर, उसी संवेदना को हम वो याद रख पाते हैं, बाकी सब हमें ध्यान ही नहीं होता। राजू जी जी नमस्ते दीदी, नमस्ते नमस्ते। हाँ सभी को। जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। नमस्ते नमस्ते। दीदी। ये 10 मिनट का मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, तो इसमें शुरू शुरू में पहले 2-3 मिनट इधर उधर ही ध्यान गया पहले। दूसरी बार फिर से थोड़ा देखने की कोशिश की तो शरीर में कुछ चुभन सी वगैरह पाँव में था, कभी पीठ में, कभी इधर, इस पे ध्यान गया। लेकिन लास्ट के 4-5 मिनट मेरा सबसे ज्यादा जो ध्यान गया वो मेरी श्वासों पे, कि फिर वो मुझे लगा कि यहाँ पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर श्वास अंदर कैसा आ रहा है, फिर कहाँ से जा रहा है, फिर लंग्स में कैसा जा रहा है, फिर वापस कैसा आ रहा है, इस पे बहुत ज्यादा देर मैं देख पा रहा हूँ। और उस दौरान मुझे शरीर का भी कुछ अस्तित्व है ये मुझे समझ में नहीं आया। और एक बात सबसे बड़ी ध्यान में आई, देखा गया कि जब श्वास पे ध्यान देता हूँ तो कुछ भी क्रियाएं मुझे नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक ही क्रिया कि जो श्वास अंदर लेना है बाहर जाना है। क्या दीदी ये हमारा बेसिक एस्पिरेशन, ह्यूमन एस्पिरेशन पे जाता है, कि जैसे हम बोलते हैं कि मानव का मूल लक्ष्य है कि जीवन जीना जीना चाहता है, तो क्या दीदी ये कोरिलेट हो सकता है ऐसा? जी दीदी। मानव जीना चाहता है, लेकिन सिर्फ जीना नहीं चाहता, हाँ ठीक है ना, सुख हाँ पूर्वक जीना चाहता है, और वो सुख को निरंतर चाहता है, सिर्फ निरंतर चाहता है। हाँ, उसी को जीने मैं के देख पा रहा कामिल हूँ। बनता है। हाँ ये एक बात। दूसरी बात जो आपने कही ना, कि अभी जो आपने कहा कि ना, आपके अंदर कुछ जो आपने बात कही श्वास को देखने की, तो उसको हम देख रहे थे या उसका विचार कर रहे थे? शायद विचार ही होगा कि उसी पे हाँ, ध्यान क्योंकि दे। अपने शरीर के अंदर वो कहाँ जा रही है श्वास, वो उस पर ध्यान जी था, या हम उसके बारे में सोच रहे थे कि हमने लंग्स के बारे में पढ़ा है तो ऐसा जा रही होगी शायद, और इधर जा रही होगी, फिर यहां से वहां जा रही होगी, ऐसा तो वो हमारे विचारों में है जी दीदी, ना? तो इसे उसको दीदी फिर हम, देखना ना कहें, उसको कहेंगे कि हम उसको उसके बारे में विचार कर रहे थे। ये क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि जी जब हम दीदी एक्चुअली देख रहे हैं ना, तो हम इन सब के प्रति सजग होंगे। बाहर भी क्या हो रहा है, हमारे अंदर भी क्या हो रहा है, शरीर में भी क्या चल रहा है। जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ेगी, हम इन सब चीजों को भी देख पाएंगे अल्टीमेटली। लेकिन अगर हम विचारों में खो गए, विचारों के साथ बहर गए, बह रहे हैं, तो हमें ये भी होश नहीं होगा कि शरीर है, शरीर पर जी ध्यान ही नहीं जाएगा।
जी। तो ये जो अभी हम कहते हैं ना कि संवेदनाओं को हम हर समय पढ़ रहे हैं या कभी कभी पढ़ रहे हैं, तो वो दिखेगा कि अक्सर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता बहुत सी संवेदनाओं पर। जो हमें कभी महत्वपूर्ण लगता है तो हमारा ध्यान उस पर जाता है ना? हाँ जी। कहीं दर्द उठा तो तुरंत ध्यान जाता है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन आराम में बने हुए हैं तो हो सकता है हम विचारों में ही गुम हो। शरीर है, इसका भी आभास नहीं होता, उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ऐसा भी हो सकता है ना? तो अभी जी जो जी हम देखने की बात कर रहे थे वो था अपने में भी क्या चल रहा है उसको भी देखना, शरीर में क्या चल रहा है उसको भी देखना, और दोनों के बीच में जो आदान प्रदान है उसको देखना। जब हम कुछ एजेंडा लेके बैठते हैं ना कि अब मुझे श्वास देखनी है, तो अगर हम वैसा भी करते हैं तो उसमें आप क्या देखेंगे? तो आप ये देख सकते हैं कि जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं उसकी संवेदना ना आपको कहाँ कहाँ पर उसकी संवेदना का ध्यान जा रहा है। हो सकता है आपका ध्यान इस पर जाए कि जो श्वास आपने अंदर ली वो ठंडी है ना, जहां से आपने नाक से ली, और जो बाहर निकाली वो थोड़ा गर्म है। तो ये जी। हुआ संवेदना को देखना है ना, अच्छा हाँ। उसका असर जो जो आपको फील हुआ सेंसेशन शरीर जी पर जी है ना। बट अल्टीमेटली हम सिर्फ देख रहे हैं, कुछ एजेंडा बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब हम ऐसी ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है उसको देखेंगे। जैसे कि आप बैठे बैठे सुन रहे हैं लेकिन आपका पैर या हाथ कुछ हिला रहे हैं है ना, बट हो सकता है हमारा ध्यान ही ना गया हो। लेकिन ध्यान देते हैं तो दिखता है कि ये कुछ तो आदान प्रदान हुआ या अपने आप ही हो गया शरीर में, है ना? तो हम सजग हो जाएं कि ये जी मैं कौन लिया था, किसने ये संकेत दिया था शरीर में अपने आप ये एक्टिविटी होने लगी, या मैंने इसको संकेत दिया बेहोशी में, है ना? तो अभी जो जी पहले बात हो रही थी कि ऐसे कभी कभी लगता है कि शरीर में ही चीजें होती रहती हैं, तो ये ठीक है, जैसे पाचन हो रहा है और बहुत सी एक्टिविटी शरीर में होती है ना? लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो सहअस्तित्व है शरीर के साथ, जब तक वो सहअस्तित्व हम वो एसोसिएशन निभा रहे हैं तब तक तो वो हो रही है। एक जी बार वो एसोसिएशन या एसोसिएशन आगे की बात है, उसको नहीं देखते अभी। ये देख सकते हैं कि जब हम परेशान होते हैं या जब हम अपने अंदर किसी प्रकार से भयभीत होते हैं तो हमारा पाचन गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल नोट किया है आपने कभी? जी। तो उसमें दिखेगा कि हालांकि वो एक्टिविटी शरीर में हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कुछ तो प्रभाव पड़ा उस पर, मेरे अंदर जी क्या चला उससे कुछ प्रभाव पड़ा। तो दिखेगा कि शरीर में अपने आप ही ऐसे ही चलते जा रहा है बिना मेरे किसी भी इनपुट के, ऐसा भी नहीं है। भले ही जी इतना है कि हमें कॉन्शियसली हर सेकंड हर मोमेंट पे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती जी है ना, वो सब जी
जी जी, इसमें कुछ प्रश्न है थे ना आपका? हाँ नहीं दीदी, आ गया समझ में, दिख रहा है अभी दीदी, धीरे 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 उस पर ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो ये अभी मुझे संवेदना का और देखने का दोनों का भी फर्क समझ में आ रहा है, दिख रहा है जी कि कैसे मैं उसको संवेदना को भी देख पा रहा हूँ और मेरा ध्यान कैसा जाना है, इसी पे मैं डेली काम भी कर रहा हूँ थोड़ा 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 थोड़ा, तो अभी वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संवेदना क्या होती है और मुझे क्या देखना है। अभी जैसा कि आपने मुझे ये बहुत अच्छा दिखाया कि क्या मैंने एजेंडा लेके बैठा हूँ, तो शायद ये भी प्री कंडीशनिंग भी होगा कि ये मैंने ऐसा कर कर रहा हूँ, लेकिन अभी और फिर से देखूंगा तो ये प्रोसेस में समझ में आ रहा है, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि मेरा ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है, पहले जैसा नहीं जाता था अभी जा रहा है, उसमें देख भी पा रहा हूँ और हर क्षण की जो बात हमारी होती है तो उसी पे भी ज्यादा से ज्यादा अभी उसी तरफ आ रहा है कि दिख रहा है कि नहीं अभी मुझे ये देखना है ये, या सहस्त्र में भी वो हर क्षण देखने की बात जो रहती है वो दीदी आ रही है, दिख रहा है ऐसा अभी ये दीदी। बढ़िया, हाँ दीदी, मुझे आपका नंबर चाहिए था तो जी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी हाँ, ठीक जी दीदी जी, नमस्ते नमस्ते सभी को जी, थैंक यू ठीक दीदी। ये समय भी होने को चला, तो यशवंत जी, हाँ जी दीदी जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा, सभी साथियों का इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है, दो मैसेजेस जो हमारा इंट्रोडक्टरी FDP उसके बारे में, नवंबर महीने में दो FDPs है, एक 11 से 15 इंग्लिश और फिर 25 से 29 तक हिंदी में है, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है, इसे हम हमारे दूसरे साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से नवंबर में 22 से 24 नवंबर तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है, तो इसे भी हम हमारे दूसरे साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और एक मैसेज हमारे मॉर्निंग सेशन के व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में है, तो सभी साथी जरूर इसे ज्वाइन करें, और जो प्रीवियस मॉर्निंग सेशंस है उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसकी भी लिंक अवेलेबल है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो उसका भी हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्ते। तो दीदी आज के लिए हम रुके। जी रोक सकते हैं।